नमस्कार, डू इट योरसेल्फ इंस्पिरेशन में आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। मैंने बार्बी के लिए ये ऐसी पोशाक बनाई थी। ये सुंदर सा लंबा सा ड्रेस बनाया था, बहुत ही आसान है बनाने में। और आज भी बार्बी के लिए हम ऐसा ही एक सुंदर सा स्कर्ट डिज़ाइन करेंगे खुद। ये स्कर्ट गर्मियों के लिए होगा या फिर बैलेरीना के लिए होगा, मतलब बैले नृत्य के लिए होगा। तो इसके लिए हमको चाहिए इस तरीके का रबर बैंड। ये मेरा रबर बैंड 12 मिलीमीटर चौड़ा है। फिर आपको चाहिए अलग अलग रंग के रिबन्स, या फिर जिस रंग का स्कर्ट होना चाहिए उस रंग की रिबन होनी चाहिए। फिर आपको चाहिए कैची और इतना ही सामान। चलिए शुरुआत करते हैं बार्बी का स्कर्ट बनाने के लिए। मैंने बार्बी को ये छोटी सी पोशाक पहना दी है, इससे आसानी होगी स्कर्ट बनाने में। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप बस ऊपर का टॉप, बार्बी को स्कर्ट के ऊपर का टॉप पहना के भी, नीचे का भाग खुला रख के भी आप उसका स्कर्ट बना सकते हैं। सबसे पहले बार्बी के कमर के आकार का रबर बैंड और उससे थोड़ा सा ज़्यादा रबर बैंड मैंने काट लिया है। ये है 16.5 सेंटीमीटर और थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था हमने, क्योंकि इस रबर बैंड को हमको एक नोट बांध देनी है। तो ये बंद गई नोट और ये नॉट बनने के बाद देखते हैं कि जी हाँ, मुझे यही देखना था कि ये फिट होता है या नहीं। तो अच्छी तरीके से ये फिट हो रहा है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ और अब मैं ये जो रिबन्स मैंने लिए थे वो सारे 16 से 17 इंच ऐसे काटूंगी। जैसे आपको चाहिए आप उस तरीके से काट सकते हैं। अगर आपको स्कर्ट बड़ा चाहिए तो आप 20 सेंटीमीटर भी काट सकते हैं। तो मैं बोलूंगी कि 16 से 20 सेंटीमीटर के बीच में आपको इसको काटना है, ताकि आपका स्कर्ट उस हिसाब से बन जाए। तो कहीं मैंने ऊपर नीचे इन रिबन्स को तिरछा भी काटा है, बस थोड़ा कुछ अलग दिखने के लिए। और इस तरीके से मैं सारे रिबन्स एक ही माप के, अगर मैंने 16 लिया हो या 17 लिया हो या 18 लिया हो, तो उस हिसाब से काट के सारे रिबन्स मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, मेरे सारे रिबन्स तैयार हैं। 15 रिबन्स आपको तैयार करने हैं। और अब ये रिबन एक एक करके आपको उस रबर बैंड पे लगाने हैं। कैसे लगाने हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मैंने सारे ऊपर के और नीचे के तिरछे ही काटे हैं रिबन्स। तो ये ऊपर का और नीचे का अलग है, तो इस तरीके से भी मैंने काटे हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ रबर बैंड पे इसको कैसे लगाना है। इधर इस तरीके से किया, इस छेद में आपने उंगली डाली और उंगली से ही, उस छेद से ही आपको नीचे की जो रिबन है, नीचे का जो भाग है वो खींच लेना है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे बैठ गया ये रिबन। तो दूसरी रिबन भी अब दूसरे रंग में लूँगी और इस तरीके से अंदर डाला आपने अपनी उंगली से, उस रिबन को निकाला इसी तरह। आपको सारी जो रिबन्स है इसी तरह करना है। मैं फिर से आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये रिबन ली
उंगली डाली, इस तरीके से नीचे का भाग खींच लिया और उसको अच्छी तरीके से रबर बैंड पे लगा दिया। फिर से और एक बार इस तरीके से आपको खींच के उसको फिर से नीचे का भाग खींचना है ताकि वो रबर बैंड पे अच्छी तरीके से बैठ जाए। यही आपको सारे रिबन्स के साथ करना है। उंगली डाली, नीचे का भाग खींच लिया और फिर और अच्छे तरीके से बैठने के लिए नीचे का भाग और भी खींच लिया। ये थोड़ा ऊपर से उल्टा हो गया, इसलिए इसको मैं सीधा कर रही हूँ ताकि डिज़ाइन का भाग रिबन पे, रिबन का डिज़ाइन का भाग रबर बैंड पे अच्छी तरीके से दिखे। और ये रहे मेरे सारे रिबन्स जो मैंने इस पर लगा दिए हैं। नॉट दिख रही है पर कोई बात नहीं, ये सारे इस तरीके से रिबन्स का स्कर्ट मैंने बना दिया है। चलिए बार्बी को ये स्कर्ट पहनाते हैं और देखते हैं उसको दिखता कैसे है। तो ये पहनाने के बाद थोड़ा ठीक कर लीजिए उसको, रिबन्स को नीचे कर दीजिए। और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये स्कर्ट बार्बी को। उसके अंदर जो ड्रेस है वो अच्छा ही है कि उसने ड्रेस पहन के रखा है, क्योंकि ये थोड़ा पारदर्शक स्कर्ट है। पर कोई बात नहीं, बैलन नृत्य के लिए तो ये स्कर्ट बहुत अच्छा दिखेगा, गर्मियों के लिए ये बहुत अच्छी तरकीब है। तो मुझे आप बताइए, आप अपनी बार्बी के लिए क्या अलग अलग रंग का इस तरीके का स्कर्ट करना चाहेंगे या एक ही रंग के रिबन लेना चाहेंगे? मुझे बताइए आपको ये तरकीब कैसे लगी, ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बार्बी के और दूसरे कई सारे वीडियोज़ है वो भी देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।